मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट। अपना चल रहा था, इसके अंदर मैंने एसिड्स के बारे में पढ़ा था, बेसिस के बारे में पढ़ा था। अब अपने कंटिन्यू करते हैं विद साल्ट। साल्ट आपको पता है, आप फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स हो, मैंने आपको ये करवाया नहीं है, लेकिन आपने अपने केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की पढ़ी है। तब उसके अंदर मैंने पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे एनए मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस है वो बनाता है। लेकिन यहाँ पर हमें सिंपल किस बात को याद रखेंगे, जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। इस प्रोसेस को अपने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में भी पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन वाला बेस भी पढ़ चुके हैं। जैसे HCl एसिड है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaCl प्लस H2O बना लेता है। जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर है वो बनता है। यानी एक साल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं, साल्ट के क्या होते हैं, टू पेरेंट्स होते हैं, साल्ट के टू पेरेंट्स होते हैं। और दोनों पेरेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेस और एक होता है एसिड। जैसे हम बात करते हैं NaCl साल्ट की, तो इसके अंदर जो आगे वाला है वो बेस है, तो एन ए क्या करते हैं, क्या करते हैं, OH लगाते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है Cl है, तो ये कौन सा एसिड होगा, HCl एसिड होगा। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको क्या करते हैं, जैसे एक नाम दे दिया, जैसे आपको नाम दे दिया पोटेशियम सल्फेट, इसके बाद कहेंगे इस साल्ट का फॉर्मूला लिखो, साल्ट का क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, और इसके अपने को क्या बताने हैं, पेरेंट्स बताने हैं। क्या बताने हैं, इसके पेरेंट्स बताने हैं। पेरेंट्स का मतलब क्या बताना है, अपने को क्या बताना है, इसका एक बेस बताना है, इसके अंदर कौन सा बेस यूज हुआ है और कौन सा एसिड यूज हुआ है। तो देखो, पोटेशियम सल्फेट अगर आप लोगों ने नाइन्थ क्लास ढंग से पढ़ लिया है तभी आपको याद है, उसके अंदर वैलेंसी आई थी। जैसे पोटेशियम होता है के, इसकी वैलेंसी होती है प्लस वन, सल्फेट होता है SO4 माइनस वन, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, के SO4, यानी पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया K2SO4। तो अपने को इसको पेरेंट्स बताने हैं, आगे वाला तो क्या होता है, बेस KOH, और पीछे वाला SO4 है तो क्या हो जाएगा, H2SO4। तो मैं याद रखना है, Cl आ जाए तो HCl, SO4 आ जाए तो H2SO4, अगर मान लो NO3 आ जाए तो इसका मतलब HNO3, और अगर CO3 आ जाए तो इसका मतलब हमारा साथ एसिड कौन सा है, H2CO3। एसिड का तो पीछे इसका सिर्फ चार ही नाम है, आपको पता लगाना बड़ा इजी रहेगा। अब बेस के अंदर आपको सिंपल जो भी है, जैसे K आ गया तो KOH, मैग्नीशियम आ गया तो MgOH का होल बाई, कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से क्या करते हैं, आप इसके बेस का पता है जी, पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं। बस आपको इनकी वैलेंसी पता होनी जरूरी है। अभी KOH लिखते हैं, NaOH लिखते हैं, क्योंकि सोडियम की पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, हमारी वन होती है। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इन सब की वैलेंसी क्या होती है, टू होती है। तो इसलिए जब इनकी वैलेंसी जैसे कैल्शियम की प्लस टू है और ऑक्सा हाइड्रोक्साइड की माइनस वन है, तो इसको क्या देंगे, CaOH का होल 12। लास्ट ईयर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से फॉर्मूले बनाने सिखाए थे, मैंने बार बार एक ही बात बोली थी कि स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर अगर आप केमिस्ट्री का अच्छी तरह से करते हो, एटम एंड मॉलिक्यूल, तभी क्या कर सकते हो कि आप मतलब 10th क्लास की केमिस्ट्री कर सकते हो। अभी तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया नहीं है, उस चैप्टर का नाम ही क्या है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। जो मतलब पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस, यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आपको बैलेंस ही पता है तो आपको फॉर्मूले बताओगे, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो फिर आप क्या करवा सकोगे, उनको रिएक्शन करवा सकोगे। वो चैप्टर है आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर, मैं सारे के सारे चैप्टर्स ऐसे ही उठा रही हूँ जो आपको इजी वे में क्या हो जाए कि वीडियो के अंदर समझ आ जाए। अगर आप दो या तीन बार वीडियो देखते हो तो मेरा पक्का कहना है कि आपको ये चैप्टर समझ आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसे बेस और साल्ट बहुत इजी चैप्टर है। अब अपने बात करते हैं साल्ट की फैमिली, फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे मान लो अपने लेते हैं NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, AlCl3, तो यहाँ पर सबके अंदर कॉमन क्या है, Cl। तो यानी किसकी फैमिली है, क्लोरीन की फैमिली है, किसकी फैमिली है, क्लोरीन की फैमिली है। और आपको पता है क्लोरीन का नंबर क्या होता है, 17, 2, 8, 7, ये क्या
फैमिली होती है। इस तरह से क्या होता है कि सार्क की दो फैमिली होती है, एक तो होता है पॉजिटिव आयन की फैमिली और एक होता है नेगेटिव आयन की फैमिली। तो ये था अपना सार्क। अब अपने बात करते हैं सार्क के अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं कॉमन सार्क केमिकल्स हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कॉमन सार्क। कॉमन सार्क यानी जो आपके घरों के अंदर यूज होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अगर अपने को सोडियम क्लोराइड है इसको बनाना है तो इसको कैसे बनाते हैं? लैब के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसको अपने रिएक्शन करते हैं तो NaCl के साथ मिलकर NaCl बनाते हैं और H2O से मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमें लैब के अंदर कॉमन सॉल्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका रीजन क्या है कि हमारी धरती के ऊपर नेचुरली कॉमन सॉल्ट के बहुत बड़े भंडार हैं। हमारी अर्थ के अंदर 71% हमारी अर्थ के ऊपर 71% पार्ट पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ वाटर है। और उस वाटर के अंदर से भी 97.5% वाटर कहाँ पर है? हमारे सीज एंड ओशियन के अंदर है। और आपको पता है कि सीज और ओशियन का वाटर कैसा होता है? साल्टी होता है, जिससे हमें क्या होता है? नमक होता है। देखो स्टूडेंट्स आप लोग अपने लिए छोटी क्लास में पढ़ा है कि सन की नीचे क्लास से वाटर क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन पूरा का पूरा समुद्र जितना गहरा होता है उसका पानी उठ के नहीं जा सकता। तो क्या किया जाता है कि जो सीज होते हैं ओशन होते हैं उनके किनारों पर क्या किया जाता है कि क्यारियाँ बनाती जाती है। जैसे अपने खेतों के अंदर क्यारियाँ बनाते हैं ताकि उसके अंदर पानी खड़ा रहे, तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है? छोटी छोटी बेड्स बना दी जाती हैं, क्यारियाँ बना दी जाती हैं, फिर मोटर की हेल्प से इन क्यारियों के अंदर समुद्र का पानी उसको खींच के मतलब निकाला जाता है, क्यारियों के अंदर उस पानी को भरा रहने देते हैं। अपने आप जो छोटे स्केल पे व्यापारी होते हैं वो तो सन की हीट के कारण से क्या होने देते हैं? वाटर को इवेपोरेट होने देते हैं। लेकिन जो बड़े स्केल पे व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इस पानी को सी और ओशन से जो पानी खींचते हैं उस पानी को क्या करते हैं? बड़ी बड़ी मशीनों की हेल्प से क्या करने देते हैं? इवेपोरेट होने देते हैं। बड़ी मशीनों की हेल्प से उस पानी को सुखा देते हैं, पानी इवेपोरेशन होकर उड़ जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? साल्ट है वो रह जाता है। अपने लास्ट ईयर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ा था, उस टॉपिक के अंदर ये अपने ने इवेपोरेशन पढ़ा था। तो जब नमक बच जाता है तो इस नमक के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज अभी भी होती हैं, क्योंकि देखो जब पानी खींचते हैं तो इस पानी के अंदर कोई मछलियाँ वगैरह भी आ जाती हैं, कोई और एक्वाटिक प्लांट भी आ जाता है, तो इस कारण से क्या हो जाता है कि पानी मतलब जब पानी सूखता है तो फिशेज हैं या एक्वाटिक प्लांट है वो क्या हो जाता है? डाई हो जाता है। तो इस कारण से जब वो डाई हो जाता है तो उसको क्या होता है? नमक के अंदर मिक्स होता है। तो इस नमक को क्या किया जाता है? फैक्ट्रीज के अंदर वापस लेके जाया जाता है, फैक्ट्रियों में ले जाकर इसके अंदर मिनिमम अमाउंट के अंदर वाटर मिक्स करते हैं। और मिनिमम अमाउंट के अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो जो इसके अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, जैसे मान लो फिशेज या फिशेज इतनी बड़ी वैसे ही हाथ से निकल जाती है, लेकिन कोई छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं या कोई प्लांट का पार्ट है कुछ है, उसको अपने क्या करते हैं? फिल्टर करके क्या करते हैं? निकाल देते हैं। फिल्टर करके निकाल दिया उसके बाद मतलब अपने पास वाटर का साल्ट का मिक्सर रह जाता है, वाटर को वापस से क्या करते हैं? इवेपोरेट कर देते हैं। उससे क्या हो जाता है? अपने को कॉमन साल्ट ऑब्टेन हो जाता है। एक तो अपने को सीज और ओशन से मिलता है, इसके अलावा अंडरग्राउंड रॉक से भी अपने को क्या मिलता है? साल्ट मिलते हैं मिलता है। आप काला नमक खाते हो, सैंधा नमक एक पाकिस्तानी नमक आता है जिसको मतलब डॉक्टर तो यही सलाह देते हैं कि उस नमक को अपने को खाना चाहिए, तो अंडरग्राउंड रॉक से अपने को क्या मिलता है? वो साल्ट मिलता है। यानी कुछ जगह ऐसी है आपके ऊपर जहाँ पर अंडरग्राउंड रॉक्स डिपॉजिट है जिनसे अपने को क्या मिलता है? साल्ट मिलता है। ये साल्ट हल्का सा इसके अंदर क्या होता है? ब्राउन कलर होता है। आपने काला नमक देखा है तो काला नमक क्या होता है? हल्का सा कैसा होता है? ब्राउन कलर के अंदर होता है। जो ये कॉमन साल्ट है इसके यूजेस देखो, इस चैप्टर के अंदर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट पढ़ेंगे और 101% मेरा दावा है कि स्टैम्प पेपर पर लिखवा के ले लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। आप क्या है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, POP और सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, ये 5 साल्ट हैं। इनमें से 3 साल्ट हैं किससे बनते हैं? कॉमन साल्ट से बनते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। तो आपको इनकी प्रिपरेशन दो दो प्रॉपर्टीज और दो दो यूजेज हैं, वो आपको क्या करने हैं? इसके लर्न करने हैं। तो सबसे पहले अपने कॉमन साल्ट का यूज़ करते हैं। तो कॉमन साल्ट का यूज करना होता है कि बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि हम अपने कास्टिक सोडा है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, इनको बनाने के लिए अपने क्या करते हैं? कॉमन साल्ट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम सही तरह से काम करे इसके लिए काम करते हैं, हमारी मसल्स का मूवमेंट है वो स्मूथली काम करता है वो इसके कारण से होता है, मतलब कॉमन साल्ट नमक के खाने से ही होता है। इसके अलावा अगर अपने जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है हमारे स्टमक के अंदर जो फूड को डाइजेस्ट होने में क्या करता है? हेल्प करता है।
तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन के अंदर क्या करता है, कॉमन साल्ट है, वो क्या करता है, हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके फूड के फ्लेवर को बढ़ाता है, आपके फूड के टेस्ट को बढ़ाता है। आप बिना नमक के खाना खाते हो तो बिल्कुल बेस्वाद खाना होता है, बिल्कुल टेस्टलेस खाना होता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा इसका यूज है बहुत सारे, मतलब अच्छा सबसे बड़ा यूज इसका काकल होता है, जो कोल्ड कंट्रीज होती है, कोल्ड कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि इसका यूज है जहाँ पर बर्फ जम जाती है, कोल्ड कंट्रीज में पूरा टाइम बर्फ पड़ती है, तो बर्फ पे चलना बड़ा इजी नहीं होता। बर्फ पे अगर अपने चलते हैं तो अपने चल नहीं सकते हैं। अगर अपने कहीं पर अपने देखते हैं कि कई लोग हैं, मतलब जैसे शिमला वगैरह घूमने जाते हैं या कहीं पर कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर वो बर्फ पे स्कैट करते हैं। लेकिन देखो वो स्कैट करते हैं तो क्या होता है, दोनों हाथों में क्या होती है, एक लकड़ी की स्टिक होती है, उस लकड़ी की स्टिक के नीचे भी क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट लगा होता है, ताकि वो आयरन का ऑब्जेक्ट है गीला होता है उसका किनारा, ताकि वो क्या हो जाए, बर्फ के अंदर ठहर जाए। तो इस कारण से, और तुम लोगों ने शूज देखे होंगे, स्कैट वाले शूज कितने बड़े बड़े होते हैं, तो उस तरह से यूज किया जाता है। तो अगर कोल्ड कंट्री है जहाँ पर पूरे साल बर्फ पड़ती है, अगर वहाँ पर बर्फ है, कहाँ पर पड़ती है, अगर कोई रोड पर जैसे इकट्ठी हो जाती है तो उसके ऊपर चलना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कारण से वहाँ पर क्या किया जाता है, साठ के रुपये उसको बर्फ को निकालने के काम में लेते हैं, साठ के रुपये उसको काम में लेते हैं। तुम लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी कई बार अपने, देखो आइसक्रीम, मैं फोन ब्रांडेड आइसक्रीम की बात नहीं कर रही, अगर अपने जो आइसक्रीम ये वाली होती है, कौन सी वाली आइसक्रीम, जैसे अपने रेडी वगैरह में बेचने आते हैं आइसक्रीम, ये खाते हैं, तो इस आइसक्रीम के अंदर हल्का सा नमक का टेस्ट होता है। स्टूडेंट्स अपने घर पे अपने आइसक्रीम लेके आते हैं पार्लर से, और अगर अपने अपने फ्रीजर में रख देते हैं तो आइसक्रीम क्या हो जाती है, घंटे के बाद क्या हो जाती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है, खाने में उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन अगर अपने गली वाली रेडी वाला जो होता है उससे आइसक्रीम खाते हैं, उसकी आइसक्रीम बड़ी टाइट रहती है, तो उसके कोई फ्रीज छोड़ने उसके अंदर अपना फ्रीज तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही बंदा धूप में भी घूमता है, इंसान है जो आइसक्रीम पार्लर वाला है, वेंडर है, वो क्या करता है, साथ ही गलियों में भी घूमता है, लेकिन फिर भी उसकी आइसक्रीम क्या होती है, मतलब मेल्ट नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सर है, वो साल्ट प्लस आइस का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यानी साल्ट है वो बर्फ़ को पिघालने के भी काम आता है, यानी बर्फ़ को मेल्ट भी करता है, प्लस वो बर्फ़ को क्या करता है, जमाने के भी काम आता है, काम में आता है। तो ये था कॉमन साल्ट के बारे में। अब आप पढ़ेंगे केमिकल स्ट्रॉन्ग कॉमन साल्ट, केमिकल स्ट्रॉन्ग कॉमन साल्ट, यानी कौन कौन से साल्ट हैं जो अपने कहाँ से मिल जाते हैं, अपने को कॉमन साल्ट से मिलते हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा है, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, अपना सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, वही क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसको बनाते कैसे हैं, NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड का मतलब आपको पता है जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट के अंदर वाटर होता है, इसके सॉल्यूशन को अपने, जिसको अपने बोलते हैं ब्रेन, इसको अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं, इसके अंदर से अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ब्राइन बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को BRIN, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस है वो बन जाती है। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं क्लोर एल्केली प्रोसेस, इसका रीजन क्या होता है, इसके अंदर क्लोरीन बनती है, तो क्लोरीन के लिए तो क्लोर वर्ड यूज होता है, NaOH बनता है, वाटर सोल्युबल बेस होता है, इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, एल्केली वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर तीन चीजें बनती, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सबके दोनों यूजेस पड़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज है कास्टिक सोडा यानी वॉशिंग सोडा वगैरह बनाने के अंदर, पेपर डाई इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके और भी बहुत सारे क्या होते हैं, यूजेज होते हैं, आप थोड़ा सा बुक में से देख लेना यूजेज, इसका यूज पेपर डाई इंडस्ट्रीज के अंदर, इनके अंदर क्या कहते हैं, पेंट वगैरह इंडस्ट्रीज के अंदर, इन सब के अंदर क्या होता है, इसका यूज होता है। क्लोरीन है, क्लोरीन के दो यूजेज आप याद कर सकते हो, क्लोरीन का पहला यूज तो क्या होता है, क्लोरीन का पहला यूज तो क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट के काम आता है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है जो जर्म्स को किल करता है, वर्ड है डिसइंफेक्टेंट, यानी जो क्या करता है, जर्म को क्या करता है, किल करने का काम करता है। तो इसलिए इसका यूज अपने ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, जो अपना वाटर बॉक्स का पानी होता है उसके अंदर क्लोरीन मिक्स होती है, या जो स्विमिंग पूल होता है वहाँ पर भी, स्विमिंग पूल का पानी रोज तो साफ नहीं कर सकते, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, क्लोरीन की टेबलेट्स वो डाली जाती है। इसके अलावा इसका यूज ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है, इसका यूज ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट का मतलब जो कपड़ों से क्या करता है, जैसे अपने कोई कपड़ों के ऊपर अपने को स्टेन लग जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स बनाने के अंदर क्या
उसका सबसे बेस्ट फूड यूज तो यही है कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इसकी कैलोरी फिट वैल्यू होती है 150 किलो जूल पर ग्राम। अपने 1 ग्राम उसको बर्न करते हैं हाइड्रोजन को तो उसके कारण से 150 किलो जूल एनर्जी क्या होती है प्रोड्यूस होती है। तो यानी सबसे एक्सीलेंट फूड होता है, इसलिए इसका यूज अपने क्या करते हैं रॉकेट के अंदर फूड के रूप में करते हैं। हाइड्रोजन का यूज है अपने 4th चैप्टर में पढ़ेंगे वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाने के अंदर किया जाता है। कार्बन कंपाउंड के अंदर वेजिटेबल का मतलब होता है रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड से क्या किया जाता है डालडा घी बनाने के अंदर क्या किया जाता है इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का यूज है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का नाम सुना हुआ है यानी शीशा। तुम लोग देखते हो कि कई बार मैं मूवी के अंदर देखते हैं कि एक इंसान आता है वो चोर है वो क्या करता है एक हैंकी के ऊपर हल्का सा कोई चीज़ है उसका स्प्रे करता है उसको दूसरे के नाक पे लगा देता है जिसके कारण से वो व्यक्ति क्या हो जाता है बेहोश हो जाता है, वो होती है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरीन का हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी किया जाता है। बच्चों स्टूडेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ दो दो यूजेज याद करने हैं, इससे ज़्यादा यूज नहीं करने, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और दो दो क्या करने हैं अपने उसके यूजेज याद कर लिए। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन अगर दोनों आपको मिल जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टमक के अंदर है जो हमारे फूड के डाइजेशन में क्या करता है हमारी हेल्प करता है। गैल्वेनाइजेशन करते हैं जब मैटर को, उससे पहले मैटर को क्या किया जाता है साफ किया जाता है आयरन ऑक्साइड को, तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं HCl एसिड का यूज करते हैं। तो ये था अपना केमिकल्स फ्रॉम ह्यूमन साइड, बाकी अपने कल वाली वीडियो के अंदर क्या करेंगे इसको।